Assalamualaikum. आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 से मुतालिक कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर बोर्ड में भी आते हैं और एडिटर से पूछे जाते हैं। और अब हम वो एमसीक्यूज करते हैं। पहले ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है ना, वो होती है x इज इक्वल टू जीरो, और जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है, x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब एक और एमसीक्यू जाते हैं, वो कहते हैं एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये p x और y, तो वो कहते हैं कि इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा या इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस x होता है, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस x होता है, और किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस वो होता है y। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस डिस्टेंस होता है वाई, ठीक है। अब एमसीक्यू वो बनाता है, तो ये बनाता है, पॉइंट गिवन होता है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी माइनस टू फोर फ्रॉम y एक्सिस, कि इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो अब ये x है, ये, और ये y है, ठीक है, ये x है और ये y है। अगर वो आपसे पूछे दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू, द डिस्टेंस, क्योंकि किसी पॉइंट का y एक्सिस से x है, तो इसका मतलब वो पॉइंट से डिस्टेंस माइनस टू होगा। अगर वो पूछे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस p माइनस टू फोर, इसका डिस्टेंस वो अगर y एक्सिस का x एक्सिस से पूछ ले, x एक्सिस से, अगर वो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, x एक्सिस से डिस्टेंस 4 होगा, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है, इसलिए इसका डिस्टेंस 4 होगा। अच्छा जी, अब एक और एमसीक्यू है, वो पूछते हैं कि px दैट डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x y from origin, के ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इसको प्रूव भी कर सकते, ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है, इसको ओपी सपोज कर लेते हैं, ये ओपी, OP is equal to square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। तो इसमें x2, ये देखें, OP is equal to 0 minus x1 का whole square plus 0 minus y2 का whole square is equal to square root of x square plus y square। तो क्या पता चला कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है x square plus y square। अगर वो पूछ ले कि कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे इसकी जगह होता -2 के पॉइंट दिया होता, -2 और 4 ये पॉइंट दिया होता, और वो कहता इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो आपने बस इसका इस
ये वाला वैल्यू इससे पुट कर देंगे, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20, ये सिंपली आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट दिया हो पी माइनस फोर और वो कहे इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने ये पॉइंट्स इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब एक और एमसीक्यू है, अब हम यहां पे एक थ्योरम का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे, वो है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आर वो कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज सीखें क्या चीज है, ये है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी, ए बाय वन प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले को सीखा है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 17 उसने पॉइंट्स गिवन दिया, हम कर दे लेट पॉइंट्स है ए 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, बी क्या है बी माइनस टू फोर, और सी पॉइंट है फाइव फाइव, ये तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और वो हमसे कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस, यानी कि ए पॉइंट क्या है 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, और बी पॉइंट क्या हमारे पास माइनस टू फोर, बी माइनस टू फोर, और हमारे पास सी पॉइंट क्या है वाला सी सी फाइव फाइव, और हमें क्या है फाइंड इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो इतना बड़ा अब अगर आया था एंट्री टेस्ट में या और किसी टेस्ट में या किसी बोर्ड में अगर ये होता ना फर्स्ट पूछ रहे, तो अब हम इसका पॉइंट इतना बड़ा क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल यूज करा लेगा, वो होगा इससे सोल्व, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी आएगी ए, बी के ऑपोजिट कौन सी आएगी बी, और ये सी है वाला सी, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी ये। अब हमने क्या करना है, हमने अब बारी बारी इन पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला निकाले, ए बी का, बी सी का और सी ए का, इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाले आज इस तरह ए बी, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड सी के इक्वल है, सी के, ठीक है। जिससे हमने कहा था ना ए साइड के ऊपर क्या ए सी और बी, ए साइड किसके इक्वल है ए बी साइड, ए बी साइड इस सी के इक्वल है, ठीक है। हम इधर लिख सकते हैं सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे इन पॉइंट का, ठीक है। अब फार्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स वन है ये एक्स टू, हम कह सकते हैं माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है 4 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू
अंडर रूट 72, ये आ जाएगा अंडर रूट 72 इसका आंसर। अब बीसी साइड, बीसी इज इक्वल टू ए, क्योंकि बीसी साइड है, बीसी बीसी साइड ये ए के इक्वल है, किसी को है ए के इक्वल, ठीक है। अब एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है ना, ये फाइव और ये माइनस 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 प्लस सेवन, सेवन को आंसर हो जाएगा प्लस फाइव बाय टू माइनस बाय वन, ये फाइव बाय टू है, फोर बाय वन है, अब हम इसको कह सकते हैं बाय टू माइनस बाय वन, ये हो जाएगा वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50, ठीक है। अब इसी तरह एसी, एसी साइड का एसी साइड, अब देखिए एसी साइड इसी को एसी, एसी साइड बी के इक्वल है, बी के यहां लिख देते हैं बी, ठीक है। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला, ये 5 माइनस 5 माइनस 4 1 और इसके प्लस 5 माइनस 2 और माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास ए बी साइड इसी को है 72 के, बी सी साइड अंडर रूट 50 के, एसी साइड अंडर रूट 50 के, ठीक है। अब इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, इसको अब इसको, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, इसको भी 5 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 अब हमें ये सारी साइड मिल गई, ये वाली सारी साइड में गिवन है, अब हमें, अब हम इसको बारी बारी इसमें पुट करेंगे, अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी, सी की भी, या ए बी सी, ए बी सी, एक्स वन हमारे पास क्या है, ये एक्स वन है, ठीक है, ये एक्स टू है, ठीक है, और ये एक्स थ्री है, ठीक है। अब बाय फार्मूला ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 इंटू एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है 4 प्लस बी, क्या बी, बी है हमारे पास 5 अंडर रूट 2, ठीक है, और उसके बाद एक्स एक्स टू के हमारे पास माइनस 2, ठीक है, और हमारे पास सी क्या है अंडर रूट 72, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस वाले को 72 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2, ठीक है, इसका 6 अंडर रूट 2 इनटू x3, x3 हमारे पास 5, x3 बराबर क्या 5, ये आ गया 5 ओवर, और a प्लस b प्लस c, हमारे पास a क्या है, ए आया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 प्लस
बी क्या है बाबा, बी बी हमारे पास है 5√2 + 5√2, और सी क्या है 6√2, 6√2, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको हाँ इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, 5√2 5√2, इसका मतलब अंडर रूट टू साइज में कॉमन आएगा, अंडर रूट टू, ठीक है। 5 × 4 5, अंडर रूट टू से बाहर आ गया ना, इधर से अंडर रूट टू आ गया, इधर से अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 5 और 4, इधर आएगा 5 − 2 + 5 − 2 +, और इधर से भी अंडर रूट टू बाहर आ गया, तो इधर रह गया 6 और 5, ठीक है। अब इधर से भी अंडर रूट टू बाहर आएगा, ये सब के साथ अंडर रूट टू लगा हुआ है, अब इससे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब रहेगा 5 + 5 + 6 = 16, ये अंडर रूट टू ये अंडर रूट टू कैंसिल, ठीक है। अब 5 × 4 = 20 20 − 10 10 + 30 = 40 40/16 = 4 × 10 = 40 4 × 4 = 16, आगे आएगा 2 × 5 = 10/2, 5 आंसर आ गया। इसका शॉर्टकट मेथड है क्वेश्चन करने का, ठीक है। यानी कि अगर आपसे एंटीटेस पूछ ले, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना आपको समझाने में, तो आप खुद करेंगे तो आपको टाइम, आप समझ आ गए बच्चे? चलो ठीक है, तो इसका इससे सॉल्व करना है। और जो वाई वाला होगा उसमें उसमें वाई वाई वाली वैल्यूज पुट कर दी, जब वाई वाला होगा ना ये देखिए, ठीक है, ए वाई 1 + b/2 + c/3 / a + b + c, इसमें ए वाला तो सेम आएगी, और बाकी वाई की वैल्यूज पुट कर देनी है। मेरी जुबान आपको समझ आ गए? जी जी सर। चलिए तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तो लाइक कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।